बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल यूसुफ इंस्टीट्यूट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मेरे काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट किए थे कि मास्टर साहब, ये जो तीरा है एक साइड को नीचे क्यों गिरता है? तो ये तीरा एक साइड को नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इसके बारे काफ़ी कमेंट आए थे। इसको तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं, कंधा भी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ कि ये एक साइड को तीरा जो है वो नीचे क्यों गिरता है और इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले आपने ये गला काटना है, गोल गला काटना है, वी काटना है, जो भी काटना है वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक गला काटना है। क्योंकि हमने इसको गला थोड़ा छोटा रखना है, कुछ कढ़ाई का मसला है, इसलिए हमने इसको 6 इंच काटा है गहराई में, और इधर को हमने इसको 7 इंच काटा है इस साइड को ऊपर से। तो इसको पहले आप सिलाई लगा लें चारों तरफ, ये वाले इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इंशाल्लाह आपको मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा और गला लगाने का, और उसके बाद ये जो तीरे की साइड नीचे गिरती है वो भी नहीं गिरेगी। आप इस तरीके से गला लगाएं, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये वाला अक्सर घरों में मेरी बेटियां बहनें जब गला लगाती हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है, वो फिर जो तीरा होता है एक साइड तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं तरीका बताता हूं, उस तरीके से आप लगाएं और गला सही बैठेगा और ऊपर तीरा जो है वो भी एक साइड को नीचे नहीं गिरेगा। इसको आपने ये जो अंदर ज़्यादा कपड़ा है इसको काट देना है इस तरीके से। ये कपड़ा काटा गया, ठीक है। अभी इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, ये देखें, ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर। इधर नाखून की मदद से ऐसे इसको निशान लगा लेना है, ये देखें निशान लग गया। और इधर सेंटर से इसको टक लगा देना है, ये देखें, ये अभी सेंटर में निशान लग गया है। अभी आपने इसको इस तरीके से, ये देखें, ये वाला है, और इसका भी सेंटर में निशान लगाया है और ये सेंटर में निशान भी लगा दिया है। इधर कट लगा के ये निशान लगा दिया है। अभी हमने इसको इस तरीके से रखना है, ये देखें, ऐसे बिल्कुल टुक के टुक सामने सामने ये बराबर आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना इधर ना उधर। ये यही मसला है, जब एक साइड को तीरा नीचे गिरता है तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि गला लगाते टाइम ऐसे इतना भी फ़र्क पड़ जाए, एक साइड को गला नीचे गिरना शुरू हो जाता है, एक साइड को ऊपर आ जाता है। ये सिर्फ गला लगाने की गलती है। अगर आप ऐसे बराबर रखेंगे टुके टुके साथ और गला लगाएंगे तो इंशाल्लाह गला नीचे नहीं गिरेगा। एक साइड को जो शोल्डर नीचे या तीरा नीचे गिरता है वो नहीं गिरेगा, बिल्कुल फ्रंट एक जैसा बराबर आएगा। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने ऐसे इसको सेंटर रख लिया है, इधर से आपने इसकी सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। और इधर भी आपने देखना है कि ये सेंटर है, ये नहीं ऐसे घुमा देना। अगर इधर से भी घुम गया, इधर से ऊपर इधर से नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क थोड़ा सा पड़ेगा 1-2 सूत्र का, लेकिन उसमें से जो तीरा है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्यों गले के कान में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसलिए आपने इसको पहले ऐसे सीधा रखना है, ऐसे बराबर, नीचे वाली और ऊपर वाली ये दोनों क्रीज आपस में बराबर होनी चाहिए। आपने ये सिलाई लगानी है इस तरीके से, ये देखें ऐसे, ये इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मुकम्मल हो गई। अभी आपने इसको इस तरीके से ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपने इसको दोनों साइड बराबर रख के इसको ये वाली सिलाई लगा लेनी है, ये बात। बाद को आता होता है कि नीचे जो गला कढ़ाई वाला बना होता है उसी हिसाब से गला लगा लेते हैं, तो वो गला टेढ़ा होता है
उसमें फ़र्क होता है, तो वो उसकी वजह से भी जो शोल्डर है एक साइड को नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आपने कढ़ाई के मामले में ये देखना है कि कढ़ाई जिधर को भी जा रही है उसका कोई दखल नहीं है, आपने जो गला काटा है उसको सही तरीके से बिठाकर लगाना है। कढ़ाई टेढ़ी हो सीधी हो जैसी भी हो वो मसला नहीं है, लेकिन आपने ये गला अपने हिसाब से लगाना है, कढ़ाई के हिसाब से गला नहीं लगाना, क्योंकि कढ़ाई अक्सर टेढ़ी होती है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ये भी आपको मैं गला लगाने के बाद दिखाता हूँ कि ये भी कढ़ाई एक जैसी नहीं है, इसमें भी फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर हम कढ़ाई के ऊपर ऊपर गला लगाएंगे तो जारी बात है कि गला सही नहीं बैठेगा और उसके बाद लगाने का तरीका भी गलत हो जाता है और एक साइड को नीचे ये जो गिरता है शोल्डर वो भी गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आपने इसको इधर से काट देना है इस तरीके से, ये कट हो गया। इंशाल्लाह इस तरीके से गला लगाएं, गला किसी सूरत काना नहीं होगा और ना एक साइड को तीरा नीचे गिरेगा। ये ऐसे टुक लगा लें इस तरीके से, ये वाला है। अभी आपने ये जो सिलाई लगानी है ऊपर वाली, ये वाली, ये आपने ऐसे फोल्ड कर देना है। ये बुकरम के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ये जो कपड़ा फ्रंट का है उसके ऊपर नहीं सिलाई लगा लेनी। इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है, ये देख। इस तरीके से ये सिलाई लग गए, ये बात। तो ये देखें अभी गला बिल्कुल एक जैसा लग गया है। अगर हम कढ़ाई के हिसाब से लगाएं तो ये देखें इधर और इधर कितना फ़र्क है। ये कढ़ाई टेढ़ी हमेशा टेढ़ी होती है, ये सीधी नहीं होती, इसलिए कढ़ाई को आपने नहीं देखना, जो गला आपने काटना है अपने हिसाब से और तरीके के साथ इसको लगाना है। कढ़ाई जिधर को जाती है जाने दो इसको, इसका कोई दखल नहीं है, क्योंकि ये छोटी बड़ी है, ये इधर से देख लें इधर से देख लें ये काफ़ी फ़र्क आ गया है। इधर से तकरीबन 1.25 इंच है, इधर से 1.5 इंच है, ये इतना फ़र्क आ गया कढ़ाई में। कढ़ाई के हिसाब से गला नहीं लगाना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से गला लगाएं, इंशाल्लाह एक साइड को शोल्डर नीचे तीरा नीचे नहीं गिरेगा और बिल्कुल फ्रंट भी साफ आएगा। बाद में इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें और इसी तरीके से गला लगाएं, तो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का फाजनी कमीज नहीं आएगा। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते मैं हर किस्म की वीडियो के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी सिलाई की वीडियो इंशाल्लाह लगाऊंगा, इसके बाद भी जो वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।